वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैपकट में हम कैसे स्टाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं एंड स्टाइल ऑप्शन का यूज करके कैसे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर यार आपके कैपकट में स्टाइल ऑप्शन ही नहीं है तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा, मीन्स स्टाइल ऑप्शन को आप कैपकट में कैसे ला सकते हो। सो सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आने वाला है। तो एडिटिंग ये सब तो हम करेंगे कैपकट में ही, बट यार कैपकट को यूज करने के लिए आपको पता होगा किसी वीपीएन से हमें कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ क्विक वीपीएन में सिंगापुर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो इंडिया का सर्वर से तो हम यूज नहीं कर सकते। तो एडिटिंग करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फोटोज के ऊपर आके हम इमेज को सिलेक्ट करते एंड एक वीडियो हमने सिलेक्ट कर ही लिया था, ठीक है। अब देखो हम इमेज और वीडियो सेलेक्ट करें ना क्योंकि हम दोनों के ऊपर स्टाइल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, बट स्टाइल ऑप्शन हमारे कैपकट में होना तो चाहिए तभी ना हम उसे यूज करेंगे। अब देखो कैपकट में हम स्टाइल ऑप्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई। आपके पास जो कैपकट एप्लीकेशन है उसे सिंपली सा आप कर दो डिलीट, ठीक है, उसे डिलीट करो, देन उसके बाद आप लेटेस्ट वाला कैपकट को डाउनलोड कर लो, काम खत्म, ठीक है। देन उसके बाद आप देख पाओगे आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। अब कैसे मिलता है स्टाइल का ऑप्शन, अपने वीडियो के ऊपर आप टैप करो, स्क्रॉल करोगे तो स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली सा क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन तो यार यहाँ पे आप यूज ही नहीं कर पाओगे, जैसे कि देख सकते हो मैक्सिमम आप वीडियो में यूज नहीं कर सकते, जस्ट 4 इफेक्ट होते हैं जिन्हें कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक 3D कार्टून वाला, इसे हम यूज कर सकते हैं एंड 3 इफेक्ट उधर है जिन्हें कि हम यूज कर सकते हैं। अगर आप 3D कार्टून के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मीन से थोड़ा सा हमें यहाँ पे रुकना होगा, देन उसके बाद ये जो 3D कार्टून है वो आपके फेस के ऊपर आ जाएगा और आपका फेस जो होगा ना वो थोड़ा सा कार्टून टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका एंड अगर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा अपने वीडियो के ऊपर तो आप देख पाओगे फेस जो है यार वो कार्टून टाइप का हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑटो वेलोसिटी को, तो ऑटो वेलोसिटी के ऊपर आप टैप करोगे तो आपको वीडियो में ऑटोमेटिकली वेलोसिटी एडिटिंग कर दिया जाएगा, मीन्स आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्लो नहीं करना होगा, फास्ट नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ एंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लो फास्ट हो जा रहा है एंड हमारा ऑटो वेलोसिटी एडिटिंग हो जा रही है, ओके। तो इससे हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फ्रीज का एक ऑप्शन मिलता है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन हमें वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लोडिंग होने के लिए। वेट करने के बाद आप देख पाओगे कुछ ऐसा इफेक्ट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला इफेक्ट देख सकते हो, और कहीं कहीं पे ना क्या हो रहा है, फ्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे आपको फ्रीज होगा, बट ये इस वीडियो के ऊपर उतना सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, मीन्स अच्छा लग नहीं रहा वीडियो देखने में। हाँ, बट जब आप लेफ्ट टू राइट मोशन कर रहे होगे उस समय यार काफी कमाल का ये वीडियो लगेगा, ठीक है, मीन्स ये वाला इफेक्ट। और इसी तरीके का सिमिलरली इफेक्ट आपको एक फ्रीज वाला भी मिलेगा, तो इसको भी इनेबल करोगे तो आप देख पाओगे कुछ फ्रीजिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम आते हैं, अब इसमें होता है क्या है फ्रीजिंग वाले में, पता है जहां जहां आप चलोगे ना वहां वहां फ्रीज हो चुका होगा, ठीक है, मीन्स पहले से देख सकते हो ये सब फ्रेम फ्रीजेज है एंड चलने के बाद वो फ्रीज हट जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली आपको सारा चीज समझ में आ चुका होगा, इसे यूज करना बहुत हार्ड नहीं, सिर्फ सिंपली से हमें टैप कर देना होता है एंड हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। बट यार आप बोलोगे भाई इतना सारा हमने यूज किया लेकिन मजा किसी में नहीं आया, ठीक है। अब देखो रियली में भाई यार ये जो वीडियो के ऊपर अप्लाई होता है ना इफेक्ट, इनमें से ज्यादातर अच्छा नहीं लगते। ऑटो कुछ हद तक सही है, उसके अलावा यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं नन करता हूं एंड इसे डन करते। अब बोलोगे भाई जब अच्छा ही नहीं है तो यार क्या उसका मतलब होने ना होने का, तो देखो भाई उसका ना आप यूज कर सकते हो। स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे एंड फोटो के ऊपर आप आ जाओ, ठीक है, मैं वीडियो को छोड़ता हूँ फोटो के ऊपर आता हूँ। देन उसके बाद यार यहाँ पे आपको काफी सारे इफेक्ट मिलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपने फोटो के ऊपर टैप करके इसे पूरा स्क्रीन में एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन स्टाइल के ऊपर आते एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफी कमाल के आपके सामने इफेक्ट आ जाएंगे, ओके। जैसे कि मैंने ये स्टार्टिंग वाला अप्लाई किया, देन इसमें आप देख सकते हो VFX टाइप का आ जाता है जो भी बहुत ही कमाल का लगता है, ठीक है। देख सकते हो इस तरीके से टूट के फिर यहाँ पे जुड़ रहा है,
कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद फोटो सिलिंग की जो सेकंड इफेक्ट है हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देने वाला है, 99 हुआ 100 हो जाए देन उसके बाद आप इफेक्ट देख पाओगे, बहुत ही परफेक्ट है। अब बोलोगे ये तो इस तरीके का इफेक्ट देते हैं, इन्हें हम यूज कहाँ करें कैसे करें वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको सारा इफेक्ट दिखा देता हूँ ठीक है, देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो स्टाइल के ऊपर मैं फिर से क्लिक कर दो, पार्टिकल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें हो गए कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये हमारा कार है, तो कार तो पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होता है, मीन्स ये जो है वो पर्सन के ऊपर ही वर्क करेगा, तो इसलिए ये पार्टिकल वाले इफेक्ट को मैं छोड़ रहा हूँ। देन स्माइल फेस के ऊपर क्लिक करो तो ये भी यार कोई पर्सन के ऊपर ही काम करेगा, तो क्या करते हैं हम प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके फोटोज पे आके जस्ट यहाँ पे कोई पर्सन को सेलेक्ट कर ही लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद स्टाइल के ऊपर जाके पार्टिकल इफेक्ट को अब अगर हम अप्लाई करें तो आप देख पाओगे कि अप्लाई हो चुका है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कैरेक्टर है वो यार इस तरीके से पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का लगता है ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक स्माइल फेस मिलता है, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यार आप समझ ही सकते हो कि मीन्स स्माइल हो जाएगा फेस में और क्या ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी इफेक्ट मिलते हैं, जो कमाल का इफेक्ट हो यार हमारा कैमरा बाउंस है ठीक है, इसके ऊपर हम टैप करते हैं देन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद काफ़ी कमाल का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैं लेके आता हूँ एंड उसके बाद प्ले करता हूँ तो देख सकते हो और कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन रहा है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैमरा सेक का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर भी आप अप्लाई करोगे तो सेम इसी तरीके से आपको सेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सही होता है। ओके, देख सकते हो और बहुत ही कमाल के इफेक्ट है। अब बोलोगे भाई ये तो वीडियो से ज़्यादा अच्छे वाले हैं, तो इन्हें ही हम यूज़ करते हैं। देखो अब यूज़ कैसे किया जाता है, मैंने काफ़ी इफेक्ट आपको यूज़ यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया, अब इन्हें यूज़ कैसे करें। तो देखो भाई आप जब स्टेटस क्रिएट कर रहे हो या फिर रील क्रिएट कर रहे हो, अगर आप कोई रील वीडियो एडिट कर रहे हो ठीक है, सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई रील वीडियो एडिट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस वाली वीडियो को, अब इस वाली वीडियो को यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे यहाँ पे प्ले करते हैं ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, सिंपली से आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ओके, या फिर आप वीडियो के लास्ट में आओ एंड ये कट करके यहां पे आप एक या फिर थोड़ा दूर में आके जस्ट कहीं पे हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं एंड से डिलीट करके जस्ट यहां पे एक स्क्रीनशॉट लेते, आप स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वाले पार्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है। अब एंडिंग में हमने स्क्रीनशॉट लिया तो प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके एंडिंग में इमेज को जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है एंड ऐड कर दिया, इमेज ऐड हो चुकी। अब इसे पूरा स्क्रीन में अच्छे तरीके से यहां पे हम फिक्स आउट कर लेते हैं ठीक है, ये फिक्स भी हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली सा आओ स्टाइल के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे 3D जूम या फिर कैमरा ये सब इफेक्ट आपको मिलते हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 3D जूम प्रो इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ ये अप्लाई हो चुका है, देन डन कर दे, देन उसके बाद आप देख पाओगे हमारा इस तरीके से वीडियो चल रहा था देन उसके बाद यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो, एक मैंने दिखा दिया कि आप वीडियो को लास्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो, एक मैं आपको दिखा दो वीडियो के स्टार्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करते और वीडियो का स्टार्टिंग वाला जो हमने कैप्चर किया था उसे सिंपली से ऐड करते एंड पूरा स्क्रीन में इसे भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से एडजस्ट करके सिंपली से आप स्टाइल के ऊपर आके यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट वाला जो है, देखो ये फर्स्ट वाला यूज करोगे तो उतना सही नहीं लगेगा हाँ, लेकिन इसे अगर सेकेंड वाला हम यूज करते हैं ठीक है, तो मैं इसे कट करता हूँ एंड सेकेंड पार्टिकल इफेक्ट के ऊपर मैं टैप करके थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और इसे जब हम यूज करेंगे तो काफ़ी कमाल के लेगा, क्योंकि सबसे पहले पार्टिकल आएगा एंड हमारा बॉडी को बनाएगा देन उसके बाद हमारी वीडियो चलेगी, जो कि बहुत ही सही लगेगा ठीक है। तो मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यार पार्टिकल से सबसे पहले हमारा बॉडी बन रहा है देन उसके बाद वीडियो प्ले हो रही, काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है। अब इस तरीके से आप एडिट करते हो, अगर इसमें आप चाहो तो कोई ट्रांजिशन ये सब इफेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ट्रांजिशन के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पे कोई ट्रांजिशन हम ऐड कर सकते, फॉर एग्जांपल एक फ्लॉड लाइट है जो कि स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आता है ठीक है, तो मैं इसे अप्लाई करके डन करता हूँ देन उसके बाद आप इसे प्ले करके देखो तो यार वीडियो काफ़ी कमाल की बन जाती है। ओके, सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करके एंड देखो मैंने आपको स्टाइल ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है और अपने कैपकट में कैसे ऐड करना है और कुछ एग्जांपल भी दिखा दिया। तो भाई मैं समझता हूँ इतना इनफ है आपके लिए, आप अपने क्रिएटिविटी लगा के आप कमाल कमाल की वीडियो एडिट कर सकते हो। अब वीडियो एडिट हो चुकी है तो एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।